अब जेबीटी की भर्ती को लेकर भी अपडेट लेकर आए हैं। जेबीटी बनाम बीएड मामले में राहत भरी खबर क्योंकि जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए निकलकर सामने आई है। इससे पहले आरोप ये लगा रहे थे कि वर्तमान सरकार इनके फेवर में नहीं है और ये आरोप लगाएंगे ही क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कह रहे हैं कि जो एनसीटीई की अधिसूचना में कहा गया है उसके मुताबिक ही यहाँ पर ये जेबीटी भर्तियां करवाई जाएंगी। अगर उसमें बीएड को पात्रता देने की बात कही गई है तो बीएड इसमें बिल्कुल मान्य होंगे। हालांकि नया मामला यहाँ सामने ये आया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जो काउंसलिंग का रिजल्ट जारी किया गया है बैच वाइज भर्ती के लिए, उसमें बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं जिनके पास जेबीटी टेट ही नहीं था। तो एनसीटीई की अधिसूचना में तो ये भी स्पष्ट किया गया है कि बीएड अभ्यर्थी के पास जेबीटी टेट होना अनिवार्य है। क्या बिना दस्तावेजों की जांच किए ही यहां पर इन्हें ये नियुक्तियां दी जा रही हैं? बड़ा सवाल इस वक्त विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है और केवल जेबीटी प्रशिक्षु ही नहीं, अब विपक्षियों की ओर से भी ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन आज ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से एक पोस्ट साझा किया गया है जिसमें उन्होंने जेबीटी अभ्यर्थियों को संयम रखने के लिए कहा है और साथ ही साथ ये दलील दी है कि वो जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ हैं, उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बड़ा आश्वासन हम कहना चाहेंगे मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से जेबीटी प्रशिक्षकों को ये दिया गया है। हालांकि इसके बाद अब उनके हक के लिए कितनी लड़ाई यहां मंत्री लड़ते हैं ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। और ये तब हुआ जब जेबीटी प्रशिक्षु आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिले थे। उन्होंने अपनी पूरी समस्या रखी कि यहां दस्तावेज भी बीएड अभ्यर्थियों के चेक नहीं किए जा रहे हैं, पहले काउंसलिंग में आने का मौका दिया गया, अब उन्हें नियुक्तियां दी जा रही हैं और इसी तरह से अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं हो रहा है क्योंकि मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और आनन फानन में यहाँ ये प्रक्रिया पूरी कर दी गई, फिर रिजल्ट घोषित हो गया, इस तरह का आरोप भी अभी जेबीटी प्रशिक्षु लगा रहे हैं। लेकिन अब मंत्री जब इनके फेवर में आए हैं तो इनके लिए किस तरह से आवाज उठाते हैं? क्या इस प्रक्रिया पर अभी रोक लगाई जाएगी? जिन बीएड अभ्यर्थियों के पास जेबीटी टेट नहीं है क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है और इस पर फिलहाल जेबीटी प्रशिक्षुओं को कब तक अपना अधिकार मिलता है ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा क्योंकि बार बार यही बात उनकी ओर से कही जा रही है कि एक तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी नौकरियां बीएड अभ्यर्थियों को दी जा रही है जबकि उनकी खुद की संख्या 40,000 के करीब है। वहीं अब बेरोजगार कला अध्यापकों से जुड़ी भी बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। ये भी काफी ज्यादा परेशान है और परेशानी की वजह ये है कि इनके लिए नए पद कब निकाले जाएंगे ये सवाल कर रहे हैं। अभी 18 जून को कैबिनेट बैठक सीएम सुक्खू की ओर से बुलाई गई है जिसमें इन्होंने ये मांग उठाई है कि इनके लिए भी स्कूलों में नए पद सृजित किए जाए, इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दी जाए। फिलहाल इस मांग को लेकर ये सचिवालय भी जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। एक तरह से फाइल प्रोसेस तो हमें नजर आ रहा है, फिर चाहे विजिलेंस सरकार या लोक सेवा आयोग की बात करें तो बिल्कुल इन तीनों एजेंसीज में एक तरह से फाइल्स दौड़ रही हैं। लेकिन बात अगर उन भर्तियों को लेकर करें जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुई है, उसे लेकर अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकाला गया है। सरकार, विजिलेंस और लोक सेवा आयोग में अगर कोई हलचल जारी है तो महज उन भर्तियों को लेकर जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी हो गई थी। जिसमें नहीं हुई है वो महज 10 के करीब पोस्ट कोड्स हैं, कोई नया फॉर्मूला भी इसके लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। क्या प्रक्रिया रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की? किस एजेंसी को यह दायित्व सौंपा जाएगा? कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है लिखित परीक्षा होने के बाद ये प्रक्रिया करवाना भी जरूरी है, तभी तो नियुक्तियां मिल पाएंगी उन बेरोजगार युवाओं को जो कि रोजगार के इंतजार में हैं। हालांकि जब तक इस मामले में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए ये काफी ज्यादा जरूरी हो गया है कि इन 10 भर्तियों को लेकर भी राज्य सरकार अपनी ओर से कोई ऑर्डर जारी करे। हालांकि लोक सेवा आयोग को कहा गया था लेकिन रिप्लाई में फिलहाल लोक सेवा आयोग ने अभी तक कुछ नहीं कहा है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। ये 10 भर्तियां कौन कौन सी है अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए इसमें एक वेटनरी फार्मासिस्ट है, स्टेनोग्राफर है, इलेक्ट्रिशियन है, कॉपी होल्डर, सैनिटरी सुपरवाइजर, साइकोलॉजिस्ट कम रिहैबिलिटेशन ऑफिसर और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर और पंचायत सेक्रेटरी इत्यादि इसमें शामिल है। ये सभी अभ्यर्थी इस इंतजार में बने हुए हैं कि कब तक फिलहाल इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर फैसला होगा। लिखित परीक्षा हो गई है तो जाहिर सी बात है अगली प्रक्रिया पर इनकी नजर तो बनी ही रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के नए नियमों को लेकर भी अगर हम आपको जानकारी दें, क्योंकि देखिए तय ये हुआ था 13 अप्रैल को जब कैबिनेट की बैठक थी कि अब नए सिरे से ये नियम नोटिफाई होंगे, कुछ एक शर्तों में यहाँ बदलाव किया जाएगा विशेष तौर से वेतन और अवधि की शर्तों को लेकर। लेकिन कार्मिक विभाग की ओर से ये अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हो पाई है, ना ही वित्त विभाग की ओर से ये अधिसूचना हुई है, यानी कि दोनों विभागों की ओर से अधिसूचना लंबित है। और इससे पहले मामला सामने ये भी आया था कि जब कार्मिक विभाग ने विधि विभाग को ये फाइल भेजी थी तो
विधि विभाग ने इस पर समीक्षा करने से इनकार कर दिया था। इनकार की वजह ये थी कि ये एक सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इस तरह का रिप्लाई यहाँ विधि विभाग ने दिया था। तो अब कार्मिक विभाग की ओर से ही ये कॉन्ट्रैक्ट के नए नियम नोटिफाई किए जाएंगे। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट के वेतन की, तो ये वित्त विभाग की ओर से नोटिफाई होने वाले हैं। अब इंतजार इसके लिए इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि सीएम सुक्खू की ओर से इस पूरे प्रोसेस में अनुमति का इंतजार है, यानी कि जब पहले इस पर अनुमति मिलेगी कि इस आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, उसके बाद ही ये नियम और जो वेतन है नए सिरे से नोटिफाई हो पाएगी। और ये जो अगली भर्तियों की प्रक्रिया है, यानी कि नए पद जो भरे जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर ये प्रोसेस भी शुरू हो पाएगा, क्योंकि पहले यही हवाला तो हर विभाग की ओर से दिया जा रहा है। अब देखिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो 5,000 से 6,000 के करीब पद भरे जाएंगे, उसमें यही हवाला अधिकारी बार बार दे रहे हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट नियम नए सिरे से नोटिफाई होंगे, उसके बाद ही वो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो अभी ये अधिसूचना दोनों विभागों की ओर से नहीं हो पाई है, इसे लेकर इंतजार बना हुआ है। और अब यहाँ कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि पहले इसमें मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही नए सिरे से वेतन और नियमों को लेकर यहाँ नोटिफिकेशन हो पाएगी।